ये देखो, ये जो कैलकुलेशन में बता रहा हूँ ना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं अपने लिए। हाँ, बहुत फ्रिक्वेंटली मतलब मैनिपुलेशन चालू था ना, क्या, मैनिपुलेशन। हाँ, वही चैप्टर चल रहा है, उसमें कुछ और कैलकुलेशन अपन देख रहे हैं। जैसे एक मिनट, हाँ अभी देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पेज नंबर 1, ध्यान देना, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिख गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया सामने स्क्रीन पे। ठीक है, ये हो गया ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी, ईच साइड इज ए। ठीक है, समझ गए। यस अब सर, मीडियंस जानते हो कि नहीं जानते, मीडियंस क्या होती हैं? यस, ये एक मीडियन हो गई है ना, ये दूसरी मीडियन हो गई, और ये थर्ड वाली मीडियन हो गई। तो बराबर नहीं बनी, तीन मीडियम मीडियन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्या प्रॉपर्टी रहती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन के लिए? इक्वल रहती है, इक्वल रहती और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहती है बेस से। रहती और एंगल बाइसेक्ट भी होते, सॉरी साइड भी बाइसेक्ट होती ना। सर और ऑपोजिट एंगल बाइसेक्ट होता है। हाँ, अपोजिट एंगल बाइसेक्ट होता है, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू इक्विलेटरल सर। ट्रायंगल है तो और क्या क्या खास बात आएंगे इसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में टोटल एंगल 60 डिग्री। सर मीडियन इक्वल रहता है और मतलब सब कुछ ठीक है, जहां पे मीडियन आके मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? जहां सेंट्रोइड सेंट्रोइड बोलते सर, सेंट्रोइड यस सेंट्रोइड बोलते। सेंट्रोइड तो यहाँ पे जी इज द सेंट्रोइड। हाँ, जी इज द सेंट्रोइड। तो ये जो आधा एंगल दिख रहा तुमको, ये कितने डिग्री का दिखेगा? 30 डिग्री का। मतलब एंगल भी बाइसेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए खास बात है ये सब, है ना, समझ गए कि नहीं? और ये जो साइड है, जैसे ए से लेके यहाँ तक एम है मान लो, तो ये किस रेशियो में आता है? ये रेशियो वगैरह याद है कुछ? ए से लेकर जी इज टू जी से लेकर एम, ये किस रेशियो में डिवाइड होती हैं? व्हाट इज जी हेयर? टू जी इस टू वन, टू दिस इज इस टू इज टू वन। टू वेरी वन, टू गुड, वेरी गुड, इस टू टू वन। हाँ वन है। व्हाट इज सर, जी हेयर? जी इज सेंट्रोइड, जी इज सेंट्रोइड। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है इसमें, देखो अगर ये साइड बाइसेक्ट हो गई है तो ये ए बाई टू आ जाएगा। आपको कौन सी वाली साइड निकालना है? ए से लेकर जी तक की लेंथ कितनी होगी? ए से लेकर जी तक की लेंथ आपको बताना है ए के टर्म पे, समझ गए क्वेश्चन? यस सर, हाँ, ए से लेकर जी तक की लेंथ कितनी होगी? ये फिजिक्स में बहुत यूज में आते हैं, तो जो फिजिक्स में यूज आते हैं ना मेंसुरेशन, वही मैं डिस्कस करने वालों में आते हैं ना। चलो, ए से लेकर जी तक लेंथ कितनी आएगी, सजेस्ट करो जरा, कैसे निकालोगे? थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है? 10 30। आती थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री? हाँ सर, ओके, वेरी गुड। अगर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है तो आप बहुत आसानी से इनको निकाल सकते हैं। एम एन हो गया ये। तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन सा वाला राइट ट्रायंगल? ए एन और जी, ए एन जी राइट ट्रायंगल देखो, है ना, दिख रहा है? ए एन जी राइट ट्रायंगल दिख गया कि यस नहीं? सर, यस सर, ओके, अब ए एन जी राइट ट्रायंगल में sin 30 की वैल्यू, sin 30 लगेगा, cos 30, cos 30 लगाते हैं अपन, तो cos 30 किसके इक्वल आएगा? cos 30 डिग्री, थर्टी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो व्हाट इज बेस हेयर? ए एन, एंड विच इज हाइपोटेन्यूस? ए जी, ए जी इज द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ए जी को मैं यहाँ पे आर से डिनोट कर दिया है। अरे भाई, समझ गए? हाँ या ना? कॉस यस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो cos 30 होता है √3/2, और ए एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? a/2 डिवाइडेड बाय ए जी। आप इसको सॉल्व कर दो आगे और सभी। अरे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना तुरंत, ये सबसे बेसन बैच है, पता है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करते हैं अपन यहाँ पे, तो a/2 × ag बचेगा ये सॉल्व करने पे। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना, 2 से 2 कैंसिल, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया।
तो ए जी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जी? ए जी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर ले आओगे लेफ्ट साइड में और रूट थ्री को ए जी की जगह पे ले जा लोगे, तो ए जी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई बेटा, ए बाई रूट थ्री के इक्वल। समझ गए इसको या डाउट है अभी किसी को भी? नो सर। समझ गए कैसे कैलकुलेशन किए? आगे फ्यूचर के लिए याद रखो ये कैसे कैलकुलेशन किए अपन ने, है ना? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड और सेंट्रोइड से किसी एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, दैट इज गिवन बाय ए बाय रूट थ्री। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? अब अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, पेज नंबर टू पे। अब हाँ, पेज नंबर टू पे जा रहा हूं अभी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ले लिए? ठीक है, अभी पेज नंबर टू पे। पेज नंबर टू पे हाँ, हेक्सागोन देखे हो कि नहीं देखे हो? हेक्सागोन देखे, ये हेक्सागोन दिख रहा है आपको? ओके फाइन, दिस इज एनी हेक्सागोन, और मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, ऐसा बराबर दिख रहा। ठीक है, ये एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मतलब सभी साइड इसकी इक्वल है ए। क्या बेटा इसका एरिया बता सकते हो क्या, हेक्सागोन का कितना है? अगर हेक्सागोन का एरिया निकालने के लिए आएगा तो क्या करोगे बताओ? हेक्सागोन का अगर एरिया निकालने आएगा तो क्या करोगे? नीचे सिर ऊपर पैर? नो। और क्या करोगे फिर? सर सर से रूट इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया यहां पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के से 6 को इनटू करेंगे, उसको 6 इनटू कर देंगे। यस वेरी गुड, तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं यहां पे? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, है ना? ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये ए, ये ए, ये ए, सो देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस यही बताना था मुझे और ज्यादा कुछ नहीं बताना था, ठीक है ना? सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे एक एंगल कितने डिग्री का रहेगा? ये टोटल एंगल है 120 का, तो एंगल 60 डिग्री और आधा 60 डिग्री का। ठीक है, ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी, इस तरह से तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर आपको यहाँ पे इसका पूरे का एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप? सीधा सीधा यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या कर दोगे? एक इक्विलेटरल के ट्रायंगल के एरिया में आप 6 का मल्टीप्लाई कर देना। अब एक स्क्वायर अगर मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, एक स्क्वायर ले रहा हूं मैं, मंथ, ये एक स्क्वायर आपको दिख रहा होगा राइट? यहाँ पे एक हेक्सागोन था और ये एक स्क्वायर है, दिस इज रेगुलर हेक्सागोन, ये हेक्सागोन है ना, और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? दिस इज एनी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की साइड यहाँ पे किसके बराबर है? ए के बराबर साइड है स्क्वायर की। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर? ए बाय टू। हाँ, कितना होता है डायगोनल का? स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है जल्दी बताओ जरा। रूट टू इनटू साइड, रूट टू ए, रूट टू इनटू साइड। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये वर्टेक्स ए, ये बी, ये सी और ये डी है ना, तो या तो एसी, एसी इज द डायगोनल और बीडी इज द डायगोनल, और डायगोनल की वैल्यू रहेगी रूट टू ए रहेगी, जहां पे डायगोनल ने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट को मैंने ओ ले लिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू ओ? ए से लेकर ओ तक की वैल्यू कितनी आएगी आपको क्या बताना है यहाँ पे? ए ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, कितना रहेगा? मतलब रूट टू ए बाई टू ना, मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको? ए बाई रूट टू लिख सकते हो इसको। समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया अभी? हाँ। कोई डाउट? नो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ए बाई रूट टू इज द डायगोनल। ठीक है, समझ गया इतना? वैसे तो बहुत ये रिवीजन हो रहा तुम लोगों का फटाफट।
अब अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, पेज नंबर थ्री पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर थ्री पे आता हूँ मैं। ले लिए पेज नंबर थ्री। अभी थोड़ा सा लॉजिकल है एक और यहाँ पे पेज नंबर थ्री पे। फिर से कुछ एक बेसिक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन इस टाइप का है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, एक कैलकुलेशन ले रहा हूं मैं। ये सर्कल दिख रहा आपको? ठीक है, ये सर्कल दिख रहा होगा। और सर्कल में फिर यहाँ पे मैं एक सेंटर ले लूं, सपोज दिस इज है। ठीक है, सर्कल का ये सेंटर हो गया यहाँ कहीं पे बीचों बीच में, ये सेंटर। और फिर एक लेंथ यहां तक और ये यहां तक। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, चाहो तो आप इसको पेंडुलम जैसे भी सिचुएशन डील कर सकते हो। ठीक है, जैसे पेंडुलम अभी यहाँ पे है, ये लोएस्ट पोजीशन पे, और फिर यहाँ पे आ गई है। ठीक है, सिचुएशन आपको दिख रही है यहाँ पे ये, एंड देन क्लियर हो गया। अभी सिचुएशन दिख गई आपको, ये लेंथ एल है, तो इधर की लेंथ भी एल रहेगी ये, एंड बाकी जो पोर्शन है मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, ये एक परफेक्ट आर्क आपको दिख रही है ऐसी। तो अभी आपको ये बताना इसमें, इस परफेक्ट आर्क में ये जो हाइट आपको दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना हा? ये जो हाइट दिख रही बेटा, ये हाइट को आपको बताना कितनी आएगी, समझ गया? ये हाइट एच आपको बताना है। H को किसके टर्म पे बताना? आपको L के टर्म पे बताना। और ये एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री का दिया हुआ है, समझ गए कि नहीं? हेलो सर, समझ गए? यस सर, यस सर। ओके, कैसे मेजर करोगे? यहाँ पर भी ना ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है ये, कितना? यस सर, 90। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट हो गया मान लो C। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? अब थोड़े से और अलग एज्यूम्शन ले लूं मैं। यहाँ पे इतना x है नीचे और ये y है सपोज, ठीक है, और ये इधर पे हो गया z। तो h की वैल्यू किसके बराबर आएगी? h की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बताओ? h इज इक्वल टू y। y मतलब l माइनस x कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? h मतलब y, y मतलब l माइनस x। कर सकते, कर सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, अब फिर से अभी फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो राइट ट्रायंगल ले लो आप, ओ सी बी। ये वाले राइट ट्रायंगल में कुछ बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं अपन कैसे करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दोगे कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक्स डिवाइडेड बाय एल। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एल इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके? देख लो भैया एक बार अच्छे से, x equals to l cos theta लिख सकते हो? हाँ। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, l minus x की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? l cos theta। So l को आप बाहर निकाल दो, 1 minus cos theta के फॉर्म पे ये आ गया h। समझ गए? सीधा सीधा निकाल दिया आपने ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी देख लो फिजिक्स में ये सब क्यों काम में आने वाले। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कैसे कैलकुलेशन की आपने देख लिया यहाँ पे, है ना? समझ गए ये कि डाउट है कोई? हेलो, ध्यान रखो मैं बेसिक कैलकुलेशन में वही बताने वाला हूँ जो आपको आगे काम में आने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन, जो आगे आपको काम में आएंगे वही कैलकुलेशन अपन देख रहे हैं। ठीक है, ये समझ गए या डाउट है कोई? समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए? ओके फाइन, समझ गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट तो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। अरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या बेटा?
सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, हाँ पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 अब है ना। अभी इस पे थोड़ा मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देना इसका। ये एक व्हील है ना, दिस इज एनी व्हील। और इतने सारे बन गए, ठीक है। एक व्हील आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अब आपको कुछ कैलकुलेशंस बताने हैं। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको डिस्कस करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये व्हील आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये ठीक है ना, और इस व्हील में मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूं अभी। ये जैसे P है, ये Q है, और ये व्हील बेटा लुढ़क रहा है ना। फिर आधे राउंड के बाद में जो Q पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा और P पॉइंट ऊपर चला जाएगा, और जब ये कंप्लीट राउंड रहे होगा तो P पॉइंट नीचे रहेगा और Q पॉइंट आ जाएगा ऊपर वापस। ठीक है, ये व्हील बेटा रोल कर रहा है यहाँ पे, समझ गए ना। व्हील इज रोलिंग। व्हील की रेडियस लिख दूं मैं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ व्हील। व्हील की रेडियस दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो ये यहां पर से अगर चालू करें तो एक कंप्लीट राउंड आपको तो थर्ड वाला है ना। यहाँ पे तीन डायग्राम दिख रहा है, फर्स्ट डायग्राम हो गया, फिर ये सेकंड डायग्राम हो गया, और फिर ये थर्ड डायग्राम हो गया। व्हील का एक कंप्लीट राउंड थर्ड में आके हुआ है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना राउंड हो गया, हाफ राउंड हो गया, आधे राउंड पे है ना। समझ गए आप, साइकिल को इमेजिन करो, साइकिल का जहां पे बॉल्व होता है ना, साइकिल इमेजिन कर लो, साइकिल का जहां पे बॉल्व लगा होता है, वॉल्व मतलब समझ गए, जहां से हवा भरते हो तुम साइकिल पे। ठीक है, तो पहले उसको ग्राउंड को टच कर देना, मान लो पी बॉल्व है उसका, जैसे ये पी यहाँ पे बॉल्व लगा हुआ है ना। फिर आधे राउंड के बाद में बॉल्व कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर जब कंप्लीट राउंड होगा तो फिर से बॉल्व कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपको ये बताना है, अगर रेडियस आर है, ये वन राउंड हो गया यहाँ पे, दिस इज वन राउंड, एक राउंड, एक राउंड पे ऐसे ही होगा ना, बॉल ग्राउंड को टच कर रहा था तो वापस ग्राउंड को टच करेगा। इमेजिन कर लिए कि नहीं, हेलो इमेजिन कर लिए। हाफ राउंड में ये जो व्हील है ये कितना डिस्टेंस चलेगा, और एक कंप्लीट राउंड कितना चलेगा, फिर एक कंप्लीट राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगा ये बताना है। 2πr। हाँ बताओ जल्दी से, 2πr। हाफ राउंड में कितना चलेगा, πr। और वन राउंड में कितना चलेगा बेटा, 2πr। 2πr डिस्टेंस चलेगा, बहुत सही। समझ गए, कोई डाउट है? यस सर। समझ गए, डाउट है? वेरी गुड, क्लियर सर। तो तुम लोगों को तो आता है यार बेसिक कैलकुलेशन, जरूरत ही नहीं मुझे तो लगता है तुम लोगों को सिखाने की, कंफर्टेबल तो हो तुम लोग। ठीक है चलो, ओके होशियार हो तुम सभी। चलो ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हैं। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से, ले लिए? ले लिए। ओके, अब पेज नंबर 5 पे आते हैं अपन। पेज नंबर 5 पे अभी, ठीक है। पेज नंबर 5 पे एक क्वेश्चन ऐसा है अभी, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है आपके सामने, एक स्फीयर दिख रहा है ना, स्फीयर दिख रहा है ना, इसको
मोल्ड करके क्या बना दिए आपने, एक सिलेंडर बना दिए, मतलब स्फीयर को कन्वर्ट किए किसमें, सिलेंडर में, मतलब रीमोल्ड कर दिया आपने, स्फीयर था, स्फीयर को आपने रीमोल्ड कर दिए, सिलेंडर बना दिए। ये स्फीयर की रेडियस है और ये सिलेंडर की रेडियस है स्मॉल r, और हाइट कितनी इसकी h, समझ गए। व्हाट इज इट इज ऑब्जर्व दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो आपको इस सिलेंडर की हाइट बताना कितना आएगा, समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए आपके पास। एक बार रिपीट किया सर। क्या बेटा सर, एक बार फिर से रिपीट करिए। एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर को आपने पिघला के सिलेंडर बना दिया, ठीक है, क्या रहे? उसको आपने मेल्ट किया और मेल्ट करके क्या बना दिया आपने, सिलेंडर बना दिया, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी ये बताना है। हाँ जल्दी बताओगे, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? दोनों का वॉल्यूम सेम है। यस, दोनों का वॉल्यूम सेम है, पिघला के बना रहे मतलब उतनी वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पिघला के बनाए हो, कुछ मटेरियल लॉस नहीं हुआ है तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ एंड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो अभी जो सिमिलर टर्म है आप उनको कैंसिल आउट कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, अभी बाकी नहीं पूरा कैंसिल। अब वैल्यू पुट करने का, तो इधर पे लेफ्ट साइड में 4/3, फिर आर क्यूब राइट साइड में, आर की वैल्यू कितना, आर बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एच। तो अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये लेफ्ट साइड में बचेगा 4/3 फिर आर क्यूब, और राइट साइड में हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एच। तो एक आर से आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होके कितना बचेगा, आर बचेगा, और अब हाइट यहाँ पे आप समझ गए कि नहीं, हाइट कितनी आ गई, हाइट यहाँ पे दैट इज 16/3 r, सो हाइट इज 16/3 r के ऊपर, समझ गए, ये डाउट है। हेलो, समझ गए सर, समझ गए सर, ओके वेरी गुड। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर वहां पे टू कैसे आया r के नीचे, क्वेश्चन में गिवन है, देख स्मॉल r की वैल्यू कितना दिया हुआ, r बाई टू दिया ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में r बाई टू दी ना बेटा, देख ले अच्छे से। यस सर, यस सर, ओके वेरी गुड, ठीक है, समझ गए। यस सर। अब पेज नंबर 6 पे आ रहा हूं मैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 6। अब थोड़ा और एक और टिपिकल क्वेश्चन है, क्यूबॉइड सिलेंडर प्रिज्म कोन, ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा है, अभी एक कोन ले रहा है अपन ना यहाँ पे, कोन दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है ना ये? यस सर। थोड़ा ज्यादा गड़बड़ दिखता मेरे को। अरे एक मिनट, हाँ ठीक है, ये एक कोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, अभी ध्यान देना इस पे कोन पे। हाँ यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखनी है हमको कोन के लिए। हाँ इक्वेशन ऐसी लिखना, ये हो जाएगा इसका एक्सिस कोन का, हो गया कि नहीं,
कोण का एक्सिस बन गया ये? यस सर। यस सर। और फिर एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे और इसको अटैच कर दिया ऐसा, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ये बतानी है कोण के लिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, अपेक्स एंगल बोलते हैं इसको, अपेक्स एंगल बोलते हैं कि नहीं, हेलो, अपेक्स एंगल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। और ये डिस्टेंस सपोज यहां तक का और फिर ये डिस्टेंस यहां तक का कुछ है, मैं इनको मेंशन कर दूं, ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल एल और ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल एल, हाँ। फिर रेडियस लिख दूं मैं अगर यहां पे, ठीक है, रेडियस लिख दूं मैं, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। तो बेटा स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगी, बता सकते हो क्या, क्या रिलेशनशिप बनेगी यहाँ पे, क्या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा शायद, यस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन एल इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल, लिख सकते हो कि नहीं। तो फिर स्मॉल आर को आप कैपिटल आर अपॉन एल इंटू क्या करके लिख सकते हो, स्मॉल एल करके लिख सकते हो, मतलब रेडियस किसका फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है यहाँ पे, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, समझ गए ना। अरे भाई समझ गया जो डिस्कशन किया मैंने, या डाउट है, जल्दी बताओ। यस सर समझ गए। ओके फाइन सर, एक बार फिर बताओ कहाँ पर से बेटा, टेन थीटा समझा कि नहीं, टेन थीटा जी, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आर, बेस हो गया एल, उसके बाद फिर तू देख वहां पे बड़े वाले ट्रायंगल पे, बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब कहां से कहां तक का दिख रहा, फिर से तेरे को बड़ा ट्रायंगल कहां से कहां तक का दिख रहा है, ये एल हो गया और पूरा जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, बड़ा ट्रायंगल मतलब चल मैं ट्रायंगल के नाम लिख दे रहा हूँ, ओ ये पी और ये क्यू, हाँ, और फिर इधर पे ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो पहले टेन थीटा में आप कहां से कहां तक का जाएगा, पी क्यू अपॉन ओ पी, और फिर नेक्स्ट टेन थीटा में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ ए हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो टेन थीटा को तुम दो बार लिख दोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू एक बार आ जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी, एंड एक बार और टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो, दैट इज ए बी अपॉन ओ ए, इसलिए आर अपॉन एल इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल। क्लियर हो गया अभी कि नहीं, डाउट है? yes. तो